हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इसमें आपको टैक्सी बुकिंग एप्लीकेशन बना करके दिखलाने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आप देख सकते हो करीम टैक्सी ऐप। तो इस तरह का हम लोग एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको फीचर्स क्या है एप्लीकेशन का। तो ऐप का फीचर यहाँ पे यूजर कैन सेलेक्ट पिकअप ड्रॉप ऑफ लोकेशन एलॉन्ग विथ पेमेंट मेथड। इट सपोर्ट कैब फेयर एंड टाइम एस्टिमेशन। तो कुछ इस तरह का आपका एप्लीकेशन का लुक होगा। ओला उबर की तरह आपका एप्लीकेशन बनने वाला है। देख सकते हो सारे आपको इसमें अंदर मैप वगैरह दिखा देगा, कहाँ से कहाँ तक जाना है सब कुछ यहाँ पे दिखाएगा। पेमेंट मेथड इसके अंदर मल्टीपल पेमेंट गेटवे आप लगा सकते हो। रियल टाइम ट्रैकिंग का आपको ऑप्शन मिल जाता है इस एप्लीकेशन के अंदर। मल्टीपल कंट्री का ऑप्शन मिल जाता है, अलग अलग कंट्री में भी चाहो तो आप अपने एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकते हो अलग अलग एरिया में। उसका आपको राइड का हिस्ट्री दिखा देगा, शेड्यूल दिखा देगा। ओके, उसका मेन्यू नेविगेशन कुछ इस तरह का है। करेंट राइड, योर राइड, ऐप सेटिंग, शेयर विद फ्रेंड, रेट आवर ऐप, प्राइवेसी पॉलिसी, लॉग आउट। उसके बाद यहाँ पे यूजर राइड हिस्ट्री दिख जाएगा। कैप्टन रेटिंग का भी फीचर है, यूजर रेटिंग भी कर सकता है, रेट भी कर सकता है इसको। यूजर अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है। तो साइनअप पेज कुछ इस तरह का है, यहाँ पे लॉगिन पेज कुछ इस तरह का है। ओके, यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन कुछ इस तरह का है। तो करीम ऐप मैंने आपको एप्लीकेशन दिखा दिया। तो डेमो जो एप्लीकेशन है डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, आप इंस्टॉल करके चेक कर सकते हो। तो फिर आपको यहाँ पे दो एप्लीकेशन मिलता है। एक तो यूजर एप्लीकेशन मैंने आपको दिखा दिया किस तरह का। उसके बाद आपको एक ड्राइवर का ऐप मिलता है जो कि कुछ इस तरह का राइडर का ऐप है ड्राइवर का। तो इसके अंदर क्या फीचर्स है आप देख सकते हो। इट सपोर्ट एक्सेप्ट रिजेक्ट राइड अलोंग टू मंथली वीकली अर्निंग रिपोर्ट एज वेल। सब कुछ मिलता है। तो यहाँ पे करेंट राइड, योर अर्निंग सब कुछ दिखाएगा ड्राइवर को। रियल टाइम नेविगेशन दिखाएगा कहाँ पे जाना है, सब कुछ यहाँ पे दिखाएगा। कैप्टन डॉक्यूमेंटेशन भी मिलता है इसके साथ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो इनका अकाउंट बनेगा तो कुछ इस तरह का दिखाएगा, साइन अप पेज है। तो इसका भी आपको एप्लीकेशन डेमो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप इंस्टॉल करके चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको इसका पावरफुल एडमिन पैनल मिलता है। तो फिर एडमिन पैनल कुछ इस तरह का आपको मिलता है इस एप्लीकेशन का, जहाँ से आप पूरा आप कंट्रोल करते हो अपने दोनों एप्लीकेशन को, यूजर और ड्राइवर एप्लीकेशन को। ओवरव्यू यहाँ पे दिख जाएगा। पेमेंट मेथड कंट्री, लिस्ट ऑफ कंट्री, राइड कैटेगरी, राइड टाइप्स, एल कैप्टन्स, एल टिप्स, रिपोर्ट रिक्वेस्ट। फ्रेंड, आप इस एप्लीकेशन का वेबसाइट भी बना सकते हो। वेबसाइट के थ्रू भी ऑर्डर बुक कर किया जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का आपका लैंडिंग पेज है। तो फिर ये वाला एप्लीकेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको सोर्स कोड डाउनलोड करना होगा। सोर्स कोड आपको जिप फाइल मिलेगा। जिप फाइल को डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट करना है, अनजिप करना है। उसका एंड्रॉइड कोड आपको सबसे पहले मिलेगा। इसके अंदर आपको ड्राइवर ऐप का डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको ड्राइवर ऐप का यहाँ पे एप्लीकेशन का सोर्स कोड मिल जाएगा एंड्रॉइड स्टोर के अंदर एडिट होने वाला। उसके बाद आपका टैक्सी ऐप का यूजर ऐप का सोर्स कोड मिलेगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा यूजर ऐप का। ओके, सब डॉक्यूमेंटेशन आप ओपन करके रख लो ब्राउजर के अंदर। मैंने यहाँ पे तीनों डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर रखा है। यहाँ पे एक एप्लीकेशन एडमिन पैल का डॉक्यूमेंटेशन और यूजर ऐप का डॉक्यूमेंटेशन और यहाँ पर ड्राइवर ऐप का डॉक्यूमेंटेशन। तो फिर आप डॉक्यूमेंटेशन को देख करके अपना एडमिन पैनल और दोनों एप्लीकेशन को सेटअप कर सकते हो। तो गाइस उसका आपको बैकएंड कोड पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको एडमिन पैनल का फाइल मिलता है। सबसे पहले आपका ये आपके होस्टिंग पे अपलोड होगा सी पैनल के अंदर। उसके बाद वेब डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे मिल जाता है कैसे एडमिन पैनल सेटअप करना। उसका आपको एक फाइल मिल जाता है एसक्यूएल जो कि अपलोड होगा आपके पीएचपी माई एडमिन के अंदर। तो अब सबसे पहले हम एंड्रॉइड कोड के अंदर जाते हैं और यहाँ पे क्रीम टैक्सी ऐप पे क्लिक करते हैं। इसका डायरेक्टली आपको कॉपी करना है और इसको लोड करना है अपने एंड्रॉइड स्टोर के अंदर। तो यहाँ पे आपको जाना है फाइल पे, ओपन पे, और यहाँ पे आपको कंट्रोल भी करना है डायरेक्टली। तो कुछ इस तरह का आएगा टैक्सी ऐप ड्राइवर। आपको टैक्सी ऐप को सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरह का आपके सामने आ जाएगा। बिल्ड होगा यहाँ पे, ग्रेडल वगैरह डाउनलोड होगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे, उसके बाद बिल्ड फिनिश कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चेंजेस करना है आपको डॉक्यूमेंटेशन देखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एडमिन पैनल अभी सेटअप कर लेना है। एडमिन पैनल कैसे सेटअप करना है मैं आपको बता देता हूँ ज़रा। तो फिर यहाँ पे हाउ टू इम्पोर्ट बैक एंड फाइल। ओके, तो सबसे पहले आपको जीप अपलोड करना है, ठीक है, अपने पब्लिक एस्टिमल के अंदर। देख सकते हो करीम जीप आपको जो मिलता है, ये वाला जीप फाइल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये वाला आपको जीप फाइल को अपलोड करना है सी पैनल के अंदर। अगर आपको चीप प्राइस में होस्टिंग और डोमेन बाई करना चाहते हैं तो मैसेज कर सकते हो। तो इम्पोर्ट करने के बाद आपको एक माई एसक्यूएल डाटाबेस बनाना है। तो फिर डाटा बना करके एल परमिशन देने के बाद आपको पी एच पी माई एडमिन के अंदर जाना है और अपना डाटा चूज करना है। उसका इंपोर्ट पे क्लिक करना है और इसको इंपोर्ट कर देना है डीबी फाइल को, ये जो आपको मिल रहा है इसको इंपोर्ट करना होगा अपने डाटाबेस के अंदर। उसका आपको कॉन्फ़िगर करना है। तो हाउ टू कॉन्फ़िगर डाटाबेस इन कॉन्फ़िगरेशन। तो फिर उसके लिए आपको जाना है अपने पब्लिक एस्टिमल के अंदर और कॉन्फ़िगर डॉट पी एच पी को आपको एडिट करना होगा। ओके, उसके अंदर आपको एडिट करना है, यहाँ पे बताया भी गया है। कॉन्फ़िगर डॉट पी एच पी के अंदर जाना है और वहाँ पे आपको डाटाबेस का
यूजर नेम, पासवर्ड और यहाँ पे आपको डाटाबेस नेम, तीनों चीज़ आपको फिल कर देना है। तो इतना सारे चेंजेस करेंगे तो आपका एडमिन पैनल सेटअप हो जाएगा। तो फिर नीचे बताया गया आप इसके अंदर वन सिग्नल का नोटिफिकेशन वगैरह भी लगा सकते हैं, तो कहाँ से लगाना है वो सब भी आपको यहाँ पे बताया गया। तो डॉक्यूमेंटेशन को देख करके आप कर सकते हो एडमिन पैनल सेटअप। तो फिर उसको आपको एप्लीकेशन को सेटअप करना है, तो एप्लीकेशन सेटअप करने के लिए भी बताया गया क्या क्या करना है। तो फिर भी मैं आपको एप्लीकेशन का थोड़ा बता देता हूँ क्या क्या आपको करना है। तो सबसे पहले तो हम पैकेज नेम चेंज करेंगे, तो अपना एंड्रॉइड स्टोर के अंदर जाएंगे, ऐप के अंदर जावा, अभी के टाइम में क्या है पैकेज नेम वो देख लेते हैं। एंड्रॉइड मैनिफेस्ट पे क्लिक करेंगे, ये हमारा एंड्रॉइड पैकेज नेम है, यहाँ पे देख सकते हो पैकेज नेम, ये हमारा पैकेज नेम है अभी। तो इसको चेंज करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये हमारा पैकेज नेम देख सकते हो तीनों आ रहा है। तो हरीश जो लिखा है इसको हम राइट क्लिक करेंगे, रिपेक्ट पर क्लिक करेंगे और रीनेम पर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, रीनेम पैकेज पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर टैक्सी ऐप दे दिया और दोनों बॉक्स पर टिक लगा करके आपको रिपेक्ट पर क्लिक कर देना है यहाँ पर। यहाँ पे आपको डू रिफैक्टर पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा पैकेज नेम चेंज हो चुका है, देख सकते हो टैक्सी ऐप आ चुका है। उसका क्या करना है आपको, पैकेज नेम अपना कॉपी करना है, इसको अपने फायरबेस के अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं और अपने फायरबेस के अंदर जाएंगे, गूगल पे सर्च करना फायरबेस और फायरबेस के अंदर जाएंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे इस एप्लीकेशन को। गेट स्टार्ट पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे ऐड प्रोजेक्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ, आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और नाम देते हैं टैक्सी ऐप, जो भी आपका एप्लीकेशन का नाम देना चाहते हो प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हो। कंटिन्यू पे क्लिक करना है, कंटिन्यू करना है। यहाँ पे डिफॉल्ट अकाउंट चूज करके क्रिएट प्रोजेक्ट पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे हम, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है, कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम प्लेटफॉर्म चूज करेंगे एंड्रॉइड, और उसके बाद हमें पैकेज नेम देंगे, जो कि पैकेज नेम एंड्रॉइड स्टोर के अंदर से मैंने कॉपी किया था। हमें कंट्रोल भी करेंगे और एप्लीकेशन का नाम छोड़ देंगे, दे भी सकते हो आप, ऑप्शनल है। रजिस्टर ऐप पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे इसको जेसन को डाउनलोड कर लेते हैं, गूगल सर्विस जेसन को, और इसको आपको एप्लीकेशन के अंदर डालना है। तो यही काम है, चलिए इस पर डबल हम क्लिक करते हैं और इसको कंट्रोल ले करके कॉपी करेंगे, एंड्रॉइड स्टोर के अंदर जाएंगे, यहाँ पे एंड्रॉइड चूज है प्रोजेक्ट को चूज करेंगे और यहाँ पे आपको ऐप के अंदर जाना है, गूगल सर्विस जैसे आपको दिख जाएगा, इस पर आपको कंट्रोल ए करना है और डिलीट कर देना है। और अभी जो कॉपी किया उसको कंट्रोल भी करेंगे, पेस्ट कर देंगे, तो हमारा फायरबेस से लिंक हो चुका है हमारा एप्लीकेशन। तो फायरबेस से लिंक होने का बेनिफिट होगा, एप्लीकेशन के अंदर आप यहाँ से भेज सकते हो नोटिफिकेशन वगैरह, सब कुछ आप भेज सकते हो फायरबेस के अंदर से। तो यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट कर दें, यहाँ से आप देख सकते हो सब कुछ, एनालाइज वगैरह कर सकते हो एप्लीकेशन के अंदर, कितना यूजर है, कहाँ से यूजर आया है, सब कुछ देख सकते हो यहीं से। तो फिर उसका चलिए एप्लीकेशन का नाम चेंज कर देते हैं। तो रिसोर्सेज में जाएंगे, वैल्यू स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे एप्लीकेशन का हम नाम चेंज करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो ऐप नेम, तो इसको नाम चेंज कर देंगे, चेंज हो जाएगा। फिर उसके स्टाइल डॉट एक्सएमएल के अंदर स्टाइल चेंज कर सकते हो आप अपने एप्लीकेशन का, और कलर डॉट एक्सएमएल के अंदर कलर चेंज कर सकते हो आप अपने एप्लीकेशन का, कलर कोड वगैरह डाल सकते हो, चेंज कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। कलर ग्रीन है तो यहाँ पर कलर कोड डालोगे तो वो चेंज हो जाएगा आपका एप्लीकेशन के अंदर। तो फिर इस एप्लीकेशन का आपको लोगो चेंज करना होगा, तो लोगो चेंज के लिए ड्रेवल के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो ऐप लोगो ऐप आइकन डॉट पीएनजी, इसको रिप्लेस करना होगा अपनी इमेज के साथ। तो आपको यहाँ पर ड्रेवल पर क्लिक करना है राइट, और सो इन एक्सप्लोरर पर आपको क्लिक कर देना है, तो आपका एक फोल्डर ओपन होगा आपके सामने। यहाँ पर देख सकते हो ड्रेवल के अंदर जाना है और इसके अंदर आपको अपना लोगो रिप्लेस करना होगा, तो आपका लोगो चेंज हो जाएगा। ऐप आइकन नाम से देख सकते हो एक लोगो है, इमेज है, तो आपको यहाँ पे इमेज एक अपलोड करना है पीएनजी में, 512x512 साइज सेम रहना चाहिए, और यहाँ पे नाम आपको चेंज करना है, रिप्लेस कर देना है सेम नाम से, इसको डिलीट कर देना है। तो इस तरह से स्प्लैश स्किन भी चेंज कर सकते हो, स्प्लैश स्किन का भी आइकन चेंज कर सकते हो, रीनेम कर देना है, ये सब चेंज कर सकते हो, जो भी आप चाहते हो चेंज करना रीनेम कर दोगे चेंज हो जाएगा। तो स्प्लैश स्किन लोगो यहाँ से आपका चेंज हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड आपको अपने एडमिन पैनल बनाओगे उसका लिंक करना पड़ेगा यहाँ पे एप्लीकेशन से, तो उसके लिए आपको अपने जावा के अंदर जाना है, जो भी आपका पैकेज है उस पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको कंस्ट्रेंट पे क्लिक करना है, कंस्ट्रेंट पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पे कंस्ट्रेंट डॉट जावा के अंदर आपको यहाँ पे डालना है अपना एडमिन पैनल का लिंक डालना पड़ेगा। तो जैसे कि आपका जो भी एडमिन पैनल है उसका URL यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है, देख सकते हो यहाँ पे लिंक डालना है आपको। तो फिर यहाँ पे लिंक डाल दोगे तो आपका एप्लीकेशन लिंक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का URL यहाँ पे आपको दे देना है, गूगल ड्राइव का एप्लीकेशन वगैरह का लिंक यहाँ से दे सकते हो आप, जो जो आपको लगता है देना है आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो।
फ्रेंड अगर आप अपने एप्लीकेशन के अंदर नोटिफिकेशन लगाना चाहते हो वन सिग्नल का, तो आपको ग्रीडल के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको बेल ग्रीडल पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन का कोड देना होगा वन सिग्नल का। तो यहाँ पे आपको वन सिग्नल का कोड यहाँ पे देना है, देख सकते हो यहाँ पे आपको वन सिग्नल का कोड देना है। तो आपका एप्लीकेशन के अंदर नोटिफिकेशन ही भेज सकते हो वन सिग्नल के थ्रू। अगर आप वन सिग्नल का कोड नहीं लगाते तो फिर भी आप नोटिफिकेशन भेज सकते हो फायरबेस के अंदर से, फायरबेस से जाएगा आपका नोटिफिकेशन। फिर और भी कुछ बेसिक चेंजेज है तो आप पूरा आप डॉक्यूमेंटेशन को रीड कर लो, तो आपको जो जो चेंजेज यहाँ पे दिख जाएगा। इसी तरह से आपको जो एप्लीकेशन बनाओगे ड्राइवर एप्लीकेशन, सेम आपको चेंजेज करना है तो फिर आप इसी तरह से डॉक्यूमेंटेशन देख करके आप ड्राइवर एप्लीकेशन ही बना सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन को रीड करके। तो फिर अगर आप ये वाला ओला उबर की तरह कंप्लीट एप्लीकेशन अगर आप हमसे बनाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, नंबर आपको मेरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आप किसी भी टाइप का एप्लीकेशन एंड्रॉइड या तो iOS एप्लीकेशन बनवाना चाहते हो तो मैसेज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मैंने आज की इस वीडियो में आप लोगों को ओला उबर की तरह एप्लीकेशन बना के दिखा दिया क्रेमर टैक्सी ऐप। तो फिर आपको भी एप्लीकेशन बनाना है, उसके बाद आपको साइन अप में बिल्ड करना है, उसके बाद आपको प्ले स्टोर में पब्लिश करना है। अगर आपका गूगल प्ले कंसोल अकाउंट नहीं है तो बाय करना चाहते हो तब भी मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। फ्रेंड्स अगर आप इसी तरह का एंड्रॉइड एप्लीकेशन से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को लाइक कर देना। फ्रेंड्स आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, मैं टेलीग्राम चैनल पे स्क्रिप्टिंग प्लगइन सोर्स कोड प्रीमियम प्रोवाइड करता हूं, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स थैंक यू सो मच एंड बाय।